हेलो एंड वेलकम गाइस, यार तो स्वागत है हमारे नए वीडियो में। गाइस इन दिस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यार कैसे आप पबजी मोबाइल लाइट अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में खेल सकते हो, वो भी गाइस बिना किसी लैग के। तो गाइस यार ये वीडियो बहुत मस्त होने वाला है। तो गाइस यार आई होप गाइस आप पूरा वीडियो देखोगे, और गाइस चैनल में अगर नए हो तो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लो, गाइस वीडियो को लाइक कर लो। सो गाइस यार लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस यार एक गेम कंप्यूटर में खेलने के लिए आपके पास एक एमुलेटर होना बहुत ज़रूरी है। गाइस गाइस वो एमुलेटर का नाम गाइस मेमू है। गाइस यार ये एमुलेटर बहुत मस्त है। गाइस यही एक ऐसा एमुलेटर है जो गाइस यूनिवर्स में पबजी मोबाइल लाइट सपोर्ट करता है, बाकी सब एमुलेटर में गाइस बहुत सारे एरर आ जाते हैं। तो गाइस यार एमुलेटर डाउनलोड करने के बाद गाइस मैं ये एमुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो गाइस प्ले स्टोर में जाना है, और गाइस यार पबजी मोबाइल लाइट गाइस आपको सर्च करना है और गाइस फटाक से डाउनलोड कर लेना। आपको इसमें भी पबजी मोबाइल लाइट सर्च कर रहा हूँ गाइस। अभी ये गाइस हमें ओपन कर लेते हैं, मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। उसके बाद गाइस ये मेरा पेज खुल गया है, आई मीन गेम खुल गया है पबजी मोबाइल लाइट। गाइस इसके अंदर गाइस हम लोग की मैपिंग सेट करने वाले हैं। तो गाइस यार की मैपिंग कैसे सेट करते हैं देखते हैं। उसके बाद गाइस आपको बेसिक्स पाना है। गाइस यहाँ पर गाइस आपको ए मैसेज दिखेगा, गाइस ए मैसेज में गाइस आपको ये गाइस हैवी बिल्कुल नहीं रखना है। गाइस आपको या तो लाइट रखना है या तो गाइस आपको मीडियम रखना है। उसके बाद गाइस आप पीक एंड फायर गाइस ये आपका मन आ रहा है, आप कुछ भी रख सकते हो। गाइस मैं तो यार टैप टूल रखता हूँ। उसके बाद नीचे आना गाइस, नीचे गाइस सारा थ्रेडिंग आपको वही रखना है। गाइस आप ऑटो डोर को भी चेंज कर सकते हो, पर गाइस मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद गाइस ये पता नहीं मैं कौन दोस्त है यार मेरे को बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है, पर गाइस वीडियो बना रहा हूँ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो बस गाइस आपको कंट्रोल्स में आ जाना है। गाइस आपको पहले वाला कंट्रोल रखना है, तो गाइस काफ़ी कंटिन्यू में आ जाना है। गाइस यही तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट यार सेटअप है, गाइस यहाँ पर की मैपिंग खोल देना है। सो यार गाइस सबसे पहले आपको गाइस क्रॉस हेयर पे क्लिक करना है, और गाइस क्रॉस हेयर आपको ऐड कर लेना है। गाइस इसके लिए आप गाइस कोई सा भी की सेट कर सकते हो। उसके बाद गाइस आप लेफ्ट क्लिक भी चूज कर सकते हो। गाइस ये की आप जब भी गाइस क्लिक करोगे तो गाइस गोली आगे बढ़ेगा, तो गाइस गोली निकलेगा गन से। उसके बाद गाइस आप कोई सा भी की चूज कर सकते हो। तो बस सिंपली गाइस आपको जॉयस्टिक पे टैप करना है, और गाइस सही जगह पर सही पोजीशन में गाइस जॉयस्टिक को सेट कर लेना। उसके बाद गाइस सिंपली गाइस आप अपना सेव कर सकते हो। गाइस सेव करने के बाद गाइस मैंने देखा कि गाइस मेरा जॉयस्टिक सही जगह पर सेट नहीं है, तो गाइस मैं सिंपली दोबारा की मैपिंग खोलता हूँ, गाइस जॉयस्टिक को सही जगह पर सेट कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली जॉयस्टिक सेट हो चुका है। उसके बाद गाइस एक इंपॉर्टेंट काम गाइस आपको करना ही है कि दोबारा की मैपिंग खोलना है। गाइस उसके बाद गाइस जॉयस्टिक का गाइस एडजस्ट जो गाइस बॉक्स है, गाइस वो बॉक्स गाइस पूरा कर लेना है, मतलब गाइस थोड़ा बड़ा कर लेना है वो बॉक्स को। गाइस इससे गाइस आपको एकदम यार ऑटो स्प्रिंट होने लगेगा, डब्ल्यू की प्रेस करोगे तो आपका स्प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो यार गाइस लगभग बहुत सारे की मैपिंग सेट हो चुका है। गाइस यार टीडीएम मैच खेल के देखते हैं कि यार की मैपिंग सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यार फाइनली मैंने की मैपिंग आई मीन यार टीडीएम स्टार्ट कर दिया है। गाइस ये टीडीएम स्टार्ट हो गया। गाइस यार मैं तो मेरा चश्मा दिख रहा है, अभी थोड़ी देर में मैं भी देखने लगूंगा। गाइस तो गाइस फाइनली गाइस आपको यहाँ पर एक लास्ट स्टेप कर रहे हैं। गाइस आपको ग्राफिक्स को एडजस्ट कर लेना है। गाइस सेटिंग्स खोल लीजिए गाइस, उसके बाद गाइस ग्राफिक्स ऑप्शन में टैप करिए। गाइस गाइस आप स्मूथ पे खेलिए, गाइस फ्रेम रेट हाई रखिए, और गाइस एंटी अलाइजिंग को गाइस डिसेबल रखिए। गाइस उसके बाद गाइस आपको सेंसिटिविटी पे जाना है। गाइस सेंसिटिविटी में गाइस आपका मन यार आप कुछ भी रख सकते हो, आप लो रख सकते हो, गाइस आप गाइस मीडियम रख सकते हो, या गाइस आप हाई में भी जा सकते हो। गाइस कस्टमाइज करके गाइस अपने अकॉर्डिंगली गाइस अपना स्कीम सेंसिटिविटी रख सकते हो। सो गाइस फाइनली गाइस हम लोग का सारा की मैपिंग सेट हो चुका है, सब कुछ गाइस हो चुके हैं। गाइस गाइस फाइनली गाइस एक मैच करके देखते हैं कि यार ये सब कुछ सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। The blue team has scored for the first time. Reloading. Nice shot!
the match is over, and the blue team is in the lead. Spree for the red team! The red team Be careful! You're losing the game! The red team is about to win! Team victory! So guys, यार मैच तो बहुत खराब गया पर यार की मैपिंग सही से वर्क कर रहा है गाइस एक ही गाइस प्रॉब्लम की मैपिंग में कि यार आपको बॉम्ब फेंकने समय यहां पे कुछ भी अगर ग्रेनेड बॉम्ब फेंकना है यार तो गाइस आपको अपना क्रॉशर को एग्जिट करना पड़ेगा और गाइस आपको माउस से बॉम्ब फेंकना पड़ेगा क्योंकि गाइस यार ये PUBG Mobile Lite बस यार एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए बना हुआ है सो गाइस यार ये एक प्रॉब्लम है बाकी सब यार सब कुछ सही है ये की मैपिंग में सो गाइस यार आई होप गाइस यार ये वीडियो आपको अच्छा लगे एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग